हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। मैं परमानंद और आप देख रहे हैं परमानंद ब्लॉग। आज की ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग होने की खास वजह है, आज हम आए हैं न्यू अपडेट और न्यू कलेक्शन के साथ, जो भैया लोग का काफ़ी डिमांड हुआ करता था कि भैया ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे स्कॉर्पियो बोलेरो की मंडी हो, कलेक्शन ज़्यादा हो। तो चलिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम आपको सही जगह पर लेकर आए हैं द बेस्ट चॉइस। यहाँ पर हर तरह की गाड़ी मिलती है, बट इस वीडियो में हम आपको मैक्सिमम दिखाने वाले हैं स्कॉर्पियो बोलेरो और पर्सनल यूज होने वाली गाड़ी। तो चलिए, टेंशन मत लीजिए। बाकी नाम ट्रांसफ़र, फाइनेंस की सुविधा है या नहीं, ये सारे डिटेल्स बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ का लोकेशन जानते हैं, ये लोकेशन है कहाँ पे? ये रांची झारखंड कोकर, आइए कोकर के जस्ट आपका बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बगल में आपका प्रिंसेंस का वर्कशॉप है उसी का जस्ट बगल में। बाकी डिस्प्ले पर नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए जिससे आपको अपडेट जानकारी मिल जाएगी। भैया से मिलते हैं और बातें करते क्या कुछ है, क्या रेट रखे हुए हैं, आपके बजट की है या नहीं है। वीडियो को अंत तक बने रहिए। आते करते कैसे भैया? बहुत अच्छे हैं भैया, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक जी, आप आए हैं द बेस्ट चॉइस कोकर इंडस्ट्रियल एरिया सदर। अच्छा, ये हमारा लोकेशन की बात करें तो रांची झारखंड आइए, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया सदर रांची, सदर थाना के पास। सदर थाना के पास भैया, आज व्यूअर्स आपको डिमांड के आधार पे आज वीडियो बना रहे हैं, आज क्या क्या दिखाएंगे हम? आइए, बोलेरो, स्कॉर्पियो, वैगनार, आर्टिका, मतलब सब तरह की गाड़ी है। सारी गाड़ियां हैं, अभी सीजन लगन वगैरह चल रही है, सारी तो लगन व्यवस्था है ना? बिल्कुल। तो चलिए चलिए, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, एक एक करके हर गाड़ी का डिटेल जानते हैं। आइए, कहाँ से स्टार्ट करें? आइए, स्कॉर्पियो से मिलते हैं। चलिए स्कॉर्पियो दिखाते हैं आपको। भैया लोग का चॉइसेबल गाड़ी है, जो हर किसी का चॉइस रहता है भैया की स्कॉर्पियो होनी चाहिए, बिल्कुल बजट में मिलनी चाहिए। तो भैया बजट में बताते हुए बताइए की ये गाड़ी का मॉडल है? S10 है, ये 2017 मॉडल गाड़ी है। 2017 की मॉडल है जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, बोकारो रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। बोकारो रजिस्ट्रेशन, कलर ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल कलर पेंट है। टायर देख सकते हैं आप, टायर भी इनका 100% टायर है, कंपनी फिटेड अलॉय लगा हुआ है, अलॉयबल है पूरा चारों चक्का। चलिए, वेल कंडीशन और फ्रेश कंडीशन में है। भैया इस गाड़ी का रेट डिटेल्स बताइए। 2017 मॉडल, 9,70,000 रुपये। 9,70,000 रेट रखे हैं जी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ऑल झारखंड और बिहार दोनों फाइनेंस हमारे है। और फाइनेंस सुविधा तो हम लोग डिस्कस बाद में कर लेंगे जी। लेकिन रेट की बात करें तो 9,70,000 रखे हुए हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए थोड़ा बहुत जगह बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अगली गाड़ी की ओर आते हैं, रांची रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की कौन सी मॉडल है भैया? ये भाड़ा पर गाड़ी है, S2 है ये। S2 जी, मतलब इंजन बोला जाए तो डीआई इंजन है। S2 है, कलर ओरिजिनल है, व्हाइट कलर की गाड़ी, काफी खूबसूरत भी लग रही है, भाड़ा में भी यूज कर सकते हैं। तो भैया बताइए इस गाड़ी का रेट। 2016 मॉडल, 2016 के मॉडल जी। चली हुई कितनी है? 68,000। 68,000 फर्स्ट ओनर। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए भैया। 7,70,000 रुपये। 7,70,000, थोड़ा बहुत जगह बन जाएगी ना? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे भैया, आने पे थोड़ा बहुत जगह बन जाए। कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 35% दे के आप गाड़ी ले सकते हैं। चलिए अगली गाड़ी की ओर आते हैं, ये पुराने मॉडल में है स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो की कौन सी मॉडल है भैया? ये VLX है। VLX जी, अपने जमाना का टॉप मॉडल, टॉप मॉडल है, अलॉय व्हील के साथ, अलॉय व्हील के साथ। टायर की कंडीशन भी काफी फ्रेश है, और टायर की कंडीशन देख सकते हैं, कंपनी फिटेड अलॉय व्हील लगा हुआ है, कलर ओरिजिनल है। भैया अब बात करते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स रेट। 2014 मॉडल VLX, 2014 की मॉडल VLX है। ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप फर्स्ट ओनर कितना होगा RC? अच्छा, ये चला हुआ कितना है? गाड़ी चली हुई है 55,000। 55-60 चली हुई है। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 5.5 लाख। 5.5 लाख मात्र, ये फाइनेंस भी हो जाएगी ना? बिहार और झारखंड दोनों? नहीं नहीं, ये फाइनेंस हो जाएगी ना? हो जाएगी। अगली गाड़ी की ओर आते हैं, बोलेरो, अपने गांव घर में ये राजा कहलाती है। बिल्कुल, ये बुकिंग पर्पस में काफी यूज होती है और पर्सनल भी यूज कर लेते हैं भाई लोग। गाड़ी तो न्यू कंडीशन में लग रही है, कब की मॉडल है? गाड़ी है 2017 मॉडल की गाड़ी है। 2017 के मॉडल, ओरिजिनल पेंट में है ना? ओरिजिनल पेंट। रजिस्ट्रेशन कहाँ की है? रजिस्ट्रेशन हमारा बोकारो है। बोकारो रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, कलर ओरिजिनल कलर में है, व्हाइट कलर की। टायर की कंडीशन देख सकते हैं, न्यू कंडीशन में, चारों टायर न्यू कंडीशन में है। भैया इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 6,70,000।
6,70,000, थोड़ा बहुत जगह बन जाएगा ना हमारे व्यूअर्स, बना देंगे जगह। आइए डिस्प्ले पर नंबर दे, उस नंबर पर कॉल करके आइए, आपके लिए थोड़ा बहुत जगह बन जाएगी और फाइनेंस की सुविधा है जो आसानी से फाइनेंस हो जाएगी। की ओर आते हैं, ये मारुति सुजुकी की ये वैगनार है जो फैमिली पर्पज के लिए काफ़ी डिमांड है, मार्केट में काफ़ी डिमांड चलती है इस गाड़ी का। बिल्कुल, ये आपका गिरिडीह रजिस्ट्रेशन गाड़ी है भैया, इस गाड़ी का डिटेल्स बताइए। गाड़ी का डिटेल है 2016 मॉडल VXi। अच्छा, पेट्रोल में है? पेट्रोल में है। ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट होगा। चला हुआ कितना है? गाड़ी चली हुई है 39,000। 39,000 चली हुई है जी। इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 3,10,000। 3,10,000 रखे भैया लोग फाइनेंस करना चाह रहे हैं, तो कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 30% जोड़े। 30% 20% भी हो जाएगा, सिविल ओके, सिविल ओके रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगली गाड़ी है आर्टिगा, और भैया आर्टिगा का डिमांड तो मार्केट में है ही सबसे ज्यादा, अभी लगन सीजन चल रही है तो उसमें और डिमांड है जी। ये आपका बोकारो रजिस्ट्रेशन गाड़ी आर्टिगा है, ये मॉडल कब की है? मॉडल 2017 की है, VXi है। ये मॉडल 2017 की VXi मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट में जी। ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है। चली हुई कितनी है गाड़ी? चली हुई है 42,000। 42,000 चली हुई फर्स्ट ओनर गाड़ी। इस गाड़ी का रेट बता दें। 7,25,000। 7,25,000 रेट रखे हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स में कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? कम से कम 30% जोड़ लें आप। 30% 20% में भी हो जाएगा, सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल बढ़िया होना चाहिए। सिविल बढ़िया रहेगा तो कम से कम में हो जाएगी डाउन पेमेंट। बाकी गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं, कहीं स्क्रैच कहीं डेंट पेंट नहीं है, कलर भी ओरिजिनल कलर में है। देखिए पार्किंग सेंसर लगा हुआ, VXi मॉडल है। अगली गाड़ी की ओर आते हैं, ये आपका ब्लैक ब्यूटी, कौन सी मॉडल है भैया? 2015 है स्कॉर्पियो ब्लैक ब्यूटी, आपका 2015 की मॉडल है। स्कॉर्पियो में कौन सी मॉडल है? S10 है। S10 जी। ये धनबाद रजिस्ट्रेशन गाड़ी, कलर ओरिजिनल कलर में है ना? प्योर ओरिजिनल है। कहीं से स्क्रैच नहीं? कहीं से स्क्रैच, कहीं डेंट पेंट नहीं है? नहीं, डेंट पेंट भी नहीं। देखिए गाड़ी के कंडीशन आपको दिखाते हैं, देखिए टायर की कंडीशन देख सकते हैं, ओरिजिनल कलर में है, आपका ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत भी लगती है स्कॉर्पियो, और कंडीशन देख सकते हैं, कहीं से स्क्रैच कहीं डेंट पेंट नहीं है भैया। तो बताइए 2015 मॉडल S10। ओनरशिप फर्स्ट? चली हुई कितनी है? 70,000। 70,000 चली हुई, इस गाड़ी का रेट बता दीजिए। 8.5 लाख रुपये रेट। 8.5 लाख रेट रखे हुए हैं जी। व्यूवर्स के लिए कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा? 30% 30% अमाउंट बता दीजिए, 2.5 लाख 3 लाख में हो जाएगा डाउन पेमेंट में? चलिए 2 लाख रुपये लाइए। 2 लाख में आप गाड़ी दे दीजिएगा ब्लैक ब्यूटी? बिल्कुल दे देंगे। चलिए हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा बहुत कम हो जाएगी ना? कम तो कर ही के रेट रखे हैं, आइए सिविल बढ़िया लेके आइए, कोशिश करें सिविल बढ़िया रहेगा। 2 से 2.5 लाख में आप देके गाड़ी ले सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ब्लैक ब्यूटी मिल जाएगी आपको 8.5 लाख में फर्स्ट ओनर गाड़ी। चलिए अगली गाड़ी की ओर आते हैं, व्हाइट ब्यूटी आपका स्कॉर्पियो, ये आपका बाबा की नगरी, देवघर नगरी जी, देवघर की ये रजिस्ट्रेशन है। ये कलर भी काफी खूबसूरत है, व्हाइट कलर की गाड़ी, ये पर्सनल से लेके आप भाड़ा में भी यूज कर सकते हैं जी। तो भैया इस गाड़ी का फीचर्स डिटेल्स बताइए। 2016 मॉडल S10 है ये। अच्छा, इसकी कीमत है 8,70,000। 8,70,000 रेट रखे हुए है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। चली हुई कितनी है? चली हुई 72,000 है। 72,000 चली हुई है, 2016 की मॉडल जी। चलिए पहले गाड़ी के कंडीशन दिखाते हैं व्यूअर्स सबको, गाड़ी के कंडीशन देख सकते हैं, कंपनी फिटेड अलॉय लगी हुई है, फ्रेश कंडीशन में, कहीं स्क्रैच नहीं है, इंटीरियर तो लॉक है बट लेदर की सीट कवर लगी हुई, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। की ओर आते हैं, ये मारुति सुजुकी की ये आर्टिगा है, जो आर्टिगा ऐसी गाड़ी है जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में सबसे ज़्यादा, अभी हमको लगता है कि 6 महीना का वेटिंग चलती न्यू जी। तो भैया ये आर्टिगा न्यू शेप की ये गाड़ी, ये मॉडल कब की है? मॉडल ये हमारे 2021 की मॉडल है। 2021 की मॉडल है। आर्टिगा में कौन सी मॉडल है वो बताइए? ZXi है ये। ZXi टॉप मॉडल गाड़ी, टॉप मॉडल गाड़ी, सेकंड टॉप मॉडल गाड़ी है। ये कलर भी काफी खूबसूरत कलर भी है, ओरिजिनल कलर में ना? ओरिजिनल है। ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी। चली हुई कितनी है? 39,000। 39,000 मात्र चली हुई फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और गाड़ी की कंडीशन तो आपको देखने से मिल ही रहा है, तो देखने को वेल कंडीशन है। आइए
वेल कंडीशन में है, कंपनी फिटेड एलावील लगा हुआ है, टैक्स कंडीशन देख सकते हैं, कहीं से स्क्रेच कहीं डेंट पेन नहीं है। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर लॉक है, बट इसमें देख सकते हैं लेदर की सीट कवर लगी हुई, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। भैया कम से कम डाउन पेमेंट क्या देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? 1.5 लाख रुपया लगे। 1.5 लाख 2 लाख में आप दे दीजिएगा? दे देंगे। सिविल अच्छा होना चाहिए, 1.5 से 2 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो भी फाइनेंस में, झारखंड बिहार में दोनों जगह, बिहार एंड झारखंड दोनों, बिहार झारखंड के जो व्यूअर्स है हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स, उनके लिए फाइनेंस की सुविधा है, जो आसानी से फाइनेंस हो जाएगी। भैया आपने तो सारी डिटेल्स दे दिए, व्यूअर्स को जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के आधार पर आपके पास गाड़ी भी है, जो अभी सीजन चल रही है, लगन चल रही है, उसमें आपका बुकिंग पर्पस में जो नई गाड़ी है स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह दिखा दिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत का एक क्वेरी है कि भैया यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा है या नहीं? हमारे यहाँ फाइनेंस का सुविधा और झारखंड और बिहार है, दोनों जगह है। आपके यहाँ फाइनेंस की सुविधा है, झारखंड बिहार के व्यूअर्स के लिए अवेलेबल है? अवेलेबल है। भैया जो आपने अमाउंट बताया, उस अमाउंट में आपको अलग से नाम ट्रांसफर की अमाउंट लगती है या उसी में इंक्लूडेड है? नहीं, अलग से अमाउंट है हमारा, नाम ट्रांसफर का पैसा। नाम ट्रांसफर की पैसा अलग से लगती है, कितनी लगती है लमसम? मैक्सिमम 5,000 रुपये नाम ट्रांसफर की। 5,000 रुपया कैश में या फाइनेंस में? कैश में देंगे तुम नाम ट्रांसफर के लिए। फाइनेंस में अलग एड होती है या कैश में? दोनों में? दोनों में सेम, मतलब कैश में लीजिए या फाइनेंस में कीजिए, 5,000 रुपये नाम ट्रांसफर की लगती है। बाकी जो भी व्यूअर्स आएंगे तो थोड़ा बहुत कम करेंगे तो हो जाएगा ना कम? हाँ, कोशिश है कम करेंगे, कुछ नेगोशिएशन हो जाएगी। आइए, डिस्प्ले पर नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा, और जगह समझ में नहीं आएगा तो आप कॉल रिसीव करके बता दीजिएगा, एड्रेस बता देंगे हमारा। चलिए चलिए भैया, आपने काफ़ी अच्छा डिटेल्स दे दिए, भैया ने काफ़ी अच्छा डिटेल दे दिया। अगर व्यूअर्स को अगर लगे कि गाड़ी लेनी चाहिए, यहाँ पे गाड़ी लेनी चाहिए, तो डिस्प्ले पर नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, जिससे आपको अपडेट जानकारी मिलेगी, साथ में आपको अपडेट गाड़ियाँ भी मिलेगी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अपडेट जानकारी मिलते रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अदर वीडियो में, टेक केयर, बाय, जय हिंद, बाय।